मैंने कहा था ना गेम होगा, मैंने कहा था गेम होगा, तेजस्वी प्रकाश खेलेगी गेम, जिसको बिग बॉस प्रमोट कर रहे थे लव एंगल तेजरन तेजरन तेजरन। मगर आज तेजरन का पूरा रन निकलता हुआ नजर आया, यानी कि कुल मिलाकर तेजस्वी ने गेम खेला करण के साथ, ये हमें साफ साफ पता चल गया लाइव फीड के दौरान जो हमें टेलीकास्ट किया गया। चैनल पर नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। दोस्तों तेजस्वी प्रकाश विशाल कोटियान के साथ में बात कर रही थी किचन एरिया में खड़ी हुई, जहां पर तेजस्वी ने अपना गेम साफ साफ कहा। तेजस्वी ने कहा कि मुझे किसी की गेम के ऊपर भरोसा नहीं है, यहाँ तक कि करण कुंद्रा की बिचिंग भी चल रही थी कि करण कुंद्रा किस तरह से अफसाना का साथ दे रहा था उमर के साथ में मिलकर, जो कि मुझे वो कतई पसंद नहीं था। आपको पता होगा जो विंटर वाला टास्क था वहाँ पर अफसाना खान फर्स्ट प्रायोरिटी थी VIP जोन में लाने की, मगर अब तो खैर अफसाना खान घर से ही बेघर हो गई हैं। तो वहाँ पर तेजस्वी ने कहा कि देखो मैं अपने सोलो गेम खेलने के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट रखती हूँ, ना कि किसी के साथ में स्टैंड लेकर खेलने में। ये सारा मजाक बनाती हुई नजर आई विशाल कोटियान के साथ में, जहाँ पर विशाल भी अपनी बातें बताते हैं, विशाल भी अपना गेम प्लान सारा बताते हैं कि मैंने किस तरह से जय को फंसाया, मैंने किस तरह से प्रतीक को फंसाया और किस तरह से मैंने जो विंटर का टोपा था वो भी मैंने छुपा डाला था जिससे कि उनके हाथ ही ना लग सके। मगर तेजस्वी का गेम क्या है यार, ये तेजस्वी प्रकाश करण कुंद्रा एंड उमर रियाज के साथ में धोखा कर रही हैं, क्योंकि VIP जोन में लाने वाले उमर रियाज हैं सिर्फ करण की शक्ल पे, और जहां पर मेकर्स तेजरन को प्रमोट कर रहे हैं वहाँ तेजस्वी करण के साथ में गेम खेलने में लगी है। क्या ये लव एंगल फेक था? क्या ये लव स्टोरी हमें फेक दिखाई जा रही थी? क्या थी आखिरकार सच्चाई? मैं सारी छानबीन करने में लगा हुआ हूँ लाइव फीड के दौरान से, जितनी भी सारी तेजस्वी की बातें हैं वो सब आपसे मैं लगातार शेयर करता रहूँगा। कुछ ऐसी बातें होंगी रोमांचक सी। तो फिलहाल कुल मिलाकर अभी तक लाइव फीड के दौरान में तेजस्वी प्रकाश करण कुंद्रा के साथ में गेम खेल रही हैं, ये कोई लव एंगल नहीं लग रहा है हमें। भैया आने वाला वक्त बताएगा, इंतजार करो, चैनल से जुड़े रहो, बस जुड़े रहो क्योंकि जितनी भी अपडेट्स होंगी वो मैं लगातार शेयर करता रहूंगा। चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि जितनी भी सारी अपडेट्स हों वो आपसे आने वाली मिस ना हो सकें। और आपको क्या लगता है वो भी नीचे हमें कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा।